नमस्कार। मंत्र अनुष्ठान लाइव पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सुबह का समय और हम हाजिर हैं आज के राशिफल के साथ। आज के राशिफल के साथ हमारी आपको सलाह है कि राशिफल को ध्यान से सुने, क्योंकि आज से सूर्य का राशि परिवर्तन किसी राशि के लिए शुभ तो किसी के लिए प्रचंड दुख देने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए इस राशिफल को तैयार किया है कानपुर के विख्यात ज्योतिष अरुण कुमार पांडे जी ने। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। बात करेंगे मेष की। मेष वालों के लिए आज का दिन विपरीत फल देने वाला रहेगा। पूर्व निर्धारित योजनाएं अधूरी या असफल हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र पर मनमानी के कारण आर्थिक हानि होगी। आज आप बिना विचारे कोई भी कार्य न करें। स्वभाव में जल्दबाजी अधिक रहेगी। सरकारी कार्यों में विलंब होगा। सामाजिक क्षेत्र पर अधिक बोलने से बचें। विरोधी आज आपकी गलती खोजने के लिए तैयार रहेंगे। स्त्री संतान से भी संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। सेहत को लेकर आशंकित रहेंगे। बाहर के खान पान से परहेज करें। बात करेंगे वृष की। आज का दिन छोटी मोटी उलझनों को छोड़ सामान्य ही रहेगा। व्यस्तता अधिक रहने से पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सेहत की अनदेखी करना आज ये भारी पड़ सकता है। काम धंधे में पहले से सुधार आएगा। धन संबंधित कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे, परंतु इसके लिए दिमागी कसरत करनी पड़ेगी। विपरीत लिंगियों से किसी गलत फहमी के कारण मतभेद होंगे। धन से अधिक संबंधों को प्राथमिकता दें। बात करेंगे मिथुन की। आज परिस्थितियां आपके आशाओं के अनुकूल रहेंगी, परंतु आज किसी विशेष व्यक्ति द्वारा भ्रम की स्थिति बनाने से असमंजस में पड़ सकते हैं। बिना विचारे कोई काम न करें। छोटी सी भूल लाभ को हानि में बदल सकती है। संध्या के समय स्वजनों के सहयोग से भ्रम की स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। आर्थिक आयोजन के लिए भी यह समय उपयुक्त रहेगा। आकस्मिक लाभ होगा। महिला मित्रों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। अनैतिक कार्यों से बचें। बात करेंगे कर्क की। आज के दिन आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने से मानसिक रूप से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। अपनी पुरानी योजनाओं को सिरे चढ़ाएंगे। परिस्थितियां भी आपके साथ रहने से कार्यों में सफलता सुनिश्चित रहेगी। व्यवहार में थोड़ा रूखापन रहने से बीच बीच में व्यवधान भी आएंगे, परंतु इनसे पार पा लेंगे। आज कम साधन होने पर भी कार्यों को आत्मविश्वास से करेंगे। घरेलू दिनचर्या सामान्य रहेगी। उत्तम भोजन एवं वाहन का सुख मिलेगा। बात करेंगे सिंह राशि की। आज के दिन का पहला भाग कुछ परेशानी वाला रहेगा। कहीं से कोई भी आशा नहीं दिखने से बेचैन रहेंगे। घर का वातावरण अशांत रहने से मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। क्रोध में आकर कोई निर्णय न लें, बाद में पश्चाताप होगा। दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आने लगेगा। परिजनों की ही सहायता अथवा मार्गदर्शन से बिगड़े काम बनेंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलने से आर्थिक समस्याएं सुलझेंगी, लेकिन आज खर्च सोच समझकर ही करें। खान पान में संयम बरतें। बात करेंगे कन्या राशि की। आज के दिन आप में उतावलापन अधिक रहेगा, जिसके कारण समस्याएं सुधरने की जगह और गहरी हो सकती हैं। नए कार्य का आरंभ आज ना करें। किसी के जमानती भी ना बने। सेहत में उतार चढ़ाव आने से कार्य क्षेत्र पर उदासीनता रहेगी, फिर भी खर्च लायक लाभ होने की स्थिति बराबर रहेगी। परिवार के बुजुर्गों की राय अवश्य लें। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। संतानों पर विशेष नजर रखें। धार्मिक यात्रा के अवसर मिलेंगे। बात करेंगे तुला राशि की। आज के दिन का पहला भाग आलस्य के कारण बेकार हो सकता है। लेट लतीफी के कारण कार्य बिगड़ने की संभावना है। कार्य क्षेत्र पर अधूरे कार्य को लेकर परेशानी में पड़ सकते हैं। फिर भी धन लाभ के योग हैं। मध्याह्न के बाद अधिकांश कार्य आपके परिश्रम से सुधरने लगेंगे। रिश्तेदारी के व्यवहार में लाभ होने की संभावना है, परंतु पहले खर्च भी करना पड़ेगा। सहकर्मियों से पहले नाराजगी रहेगी, बाद में स्थिति सामान्य हो जाएगी। सेहत में कुछ विकार आने की संभावना है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज भी दिन आपकी आशाओं की पूर्ति कराने वाला रहेगा। दिन भर मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। झगड़ों को टालने के लिए छोटी मोटी बातों को अनदेखा करें। कार्य क्षेत्र पर
परिश्रम के अनुसार लाभ मिलने से संतोष रहेगा। नए कार्यों में निवेश कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति के मामले में उलझने रहेंगी, परंतु पारिवारिक सदस्यों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। किसी से बहस ना करें। यात्रा की योजना अंत समय में टल सकती है। बात करेंगे धनु राशि की। आज का दिन अशुभ फलदायी है। घर एवं बाहर आज विवेक से कार्य करें। आर्थिक समस्याओं को लेकर भविष्य की चिंता सताएगी। परिजन भी आज आपके रूखे व्यवहार के कारण दूरी बनाकर रखेंगे। कार्य क्षेत्र पर भी व्यवहारिकता की कमी के चलते लाभ होते होते हाथ से निकल जाएगा। दवाओं पर खर्च करना पड़ेगा। छाती में संक्रमण अथवा गले संबंधित परेशानी रहेगी। संतानों के स्वार्थ युक्त संबंध होंगे। आज किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें। बात करेंगे मकर राशि की। आज का दिन सभी प्रकार से लाभ देने वाला रहेगा, परंतु आज आपको किसी अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता रहेगी। व्यवहार में गर्मी रहने से बीच बीच में वातावरण अशांत भी हो सकता है। सहकर्मियों की लापरवाही भी विवाद का कारण बनेगी, परंतु धन लाभ आज अवश्य होगा। परिजनों की इच्छा पूर्ति करने से घर में सुख शांति रहेगी। लंबी यात्रा यथा संभव टाल ही दें। स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है। विरोधी आपसे बचकर रहेंगे। किसी दूर रहने वाले स्वजन से मनमुटाव हो सकता है। बात करेंगे कुंभ राशि की। आज के दिन आप राहत का अनुभव करेंगे। कार्यों को लेकर पहले थोड़ा आशंकित रहेंगे, परंतु एक बार सफलता मिलने पर यही क्रम दिन भर बना रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहद खास रहेगा, परंतु उधार के व्यवहार आज ना ही करें तो बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा जातक आज भी व्यस्तता के चलते घर में आलोचना का शिकार बनेंगे, लेकिन सामाजिक स्तर पर आपकी छवि निखरेगी। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा। लंबी यात्रा की योजनाएं बनेंगी, इस पर खर्च भी होगा। बात करेंगे मीन की। आज का दिन आपके लिए थोड़ा राहत वाला रहेगा, लेकिन फिर भी कार्यों के प्रति लापरवाही दिखाएंगे। फलस्वरूप महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रहेंगे एवं लाभ के अवसर हाथ से निकल सकते हैं। मौज शौक के प्रति आज अधिक आकर्षण रहेगा। फिजूल खर्च बढ़ेंगे। सरकार की तरफ से कोई परेशान करने वाला समाचार मिल सकता है। यात्रा पर्यटन की योजना बनेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से आज अन्य के ऊपर निर्भर रहेंगे। चोरी एवं दुर्घटना की योग है, सावधानी बरतें। संध्या के समय स्वास्थ्य में विकार आने की संभावना है। तो ये था आज का दैनिक राशिफल। अगर आप इस वीडियो के द्वारा पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आगे भी इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। जय श्री राम।